नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से नई आर्ट सीखने का दिन आ गया है और आज हम सीख रहे हैं इस जरोका आर्ट। इस पर मैंने एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है फ्रेंड्स। साथ ही आज हम सीखेंगे कि डोरी की थिकनेस को परफेक्ट कैसे बनाएं, जिससे हमारी आर्ट बहुत सुंदर बने और डोरी हमारी एक जैसी आए। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज की जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, ये जरोका कटआउट से आज मैं इसी पर अपनी आर्ट बनाऊंगी। इसके ऊपर मैंने काऊ का डिजाइन ड्रॉ कर लिया है, साथ ही बाउंड्री को भी मार्क कर ली है। यहाँ मैं सबसे पहले किले की डोरी से बॉर्डर बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कि डोरी की थिकनेस बिल्कुल एक जैसी है। इससे बाउंड्री या कोई भी डिजाइन जब हम बनाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखता है और इसलिए फ्रेंड्स डोरी की थिकनेस एक जैसी होना बहुत जरूरी है। हम जहाँ जिस तरह की डोरी लगा रहे हैं, अगर मोटी लगा रहे हैं तो वहाँ पूरी परफेक्ट मोटी होनी चाहिए, कहीं पतली कहीं मोटी होती है तो वह अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं बताऊंगी कि हमें कैसे थिकनेस रखनी है। और ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है, मैंने दोनों साइड डोरी लगा ली है और फ्रेंड्स दोनों ही डोरी की थिकनेस में मैंने थोड़ा सा अंतर रखा है, एक मोटी है एक पतली है। बट मैंने ये क्यों लगाई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। किले की डोरी से बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़ा ड्राई होने रख दिया, कम से कम आधा से एक घंटा। जब किले की डोरी ड्राई हो गई और किले की डोरी से बॉर्डर बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे काऊ। काऊ को मैंने कॉर्न से बनाया है, कॉर्न कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसकी लिंक ऊपर दी हुई है, आप देख सकते हैं और एक परफेक्ट कॉर्न अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ मैंने थिक कॉर्न का यूज किया है क्योंकि मुझे लाइनिंग बनानी है। कॉर्न से पूरी काऊ की आउटलाइनिंग हो जाने के बाद फ्रेंड मैंने आधा से एक घंटे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और जब हमारी किले की डोरी और काऊ दोनों अच्छी तरह से ड्राई हो गई तो उसके बाद मैंने किया है व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर करने के बाद फ्रेंड्स हम जो भी कलर करेंगे बहुत ही सुंदर और शाइनिंग के साथ दिखेंगे। फ्रेंड्स मैंने जो किले की डोरी का बॉर्डर बनाया है उसके अंदर किया है ब्लू कलर। तो आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो पहले मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे बनाया है और किले की आपको पूरी जानकारी दूंगी अभी किस तरह से हमें डोरी बनानी है। तो ब्लू कलर कर लिया है और ब्लू कलर करने के बाद फ्रेंड्स मैंने अंदर किया है रेड कलर। रेड कलर करने के बाद फ्रेंड्स मैंने जो काऊ बनाई है उसमें मैंने किया है येलो कलर, साथ ही थोड़ा मैजेंटा कलर का मैंने डिजाइन बनाया है। और ये कलर जो मैं दे रही हूँ अपनी पसंद से दे रही हूँ, इस तरीके से तो कलर आप अपनी पसंद से भर सकते हैं। मैजेंटा कलर कर लिया, साथ ही मैंने ग्रीन कलर का भी बॉर्डर दिया है और जो नीचे पंजे हैं काऊ के वहाँ मैंने ब्लैक कलर किया है और हमने काऊ की पीठ पर जो डिजाइन बनाया है वहाँ मैंने चेक बनाया है कौन से और नीचे रेड कौन से डिजाइन बनाया है। फ्रेंड्स जब मेरा ये सारा अंदर का डिजाइन पूरा हो गया तो मैंने ब्लैक कौन से काऊ की पूरी आउटलाइनिंग की है। ब्लैक कौन से आउटलाइनिंग करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो काऊ के कलर हैं वो पूरे एकदम निखर के आ गए हैं। अब हम थोड़ा ड्राई होने छोड़ देते हैं और चलिए जब तक हम सीखते हैं कि हमें डोरी कैसे बनानी है परफेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले तो हमें किले बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लेना है, हार्डनर और शॉर्पनर दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद में थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगा कर हम डोरी बेल लेंगे। डोरी आपको जितनी लंबी चाहिए आप बेल सकते हैं और अगर बिगनर्स है तो छोटे छोटे पीस में भी आप बना सकते हैं। डोरी को एक जैसा करने के लिए आप स्पॉन्ज या किसी भी हार्ड सरफेस, जैसे मैंने ये MDF का ही ले लिया है, तो आप ले सकते हैं या कार्डबोर्ड का भी ले सकते हैं। और जब हमारी डोरी बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी तो हमें थिकनेस नापनी है कि हमें किस थिकनेस में डोरी लगानी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक स्केल रखी है, स्केल के अंदर जब सेंटीमीटर होता है वहाँ मैंने 5 mm की डोरी ज्यादा करके मैं बनाती हूँ और ये 5 mm की डोरी मैंने वहाँ रख ली और उसके बाद में एक जैसा मैंने देखा कि सारी डोरी एक जैसी है। लेकिन फ्रेंड्स बीच में से तो डोरी को नाप लेते हैं, शुरू में नाप लेते हैं, लेकिन जब जो लास्ट जगह होती है वहाँ हम छोड़ देते हैं कि पूरी डोरी एक जैसी है, पर ऐसा नहीं होता, हमेशा लास्ट में हमारी डोरी थोड़ी सी मोटी रह जाती है। तो लास्ट में भी जरूर देख लीजिए कि डोरी की हमारी थिकनेस एक जैसी है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि पूरी डोरी एक जैसी है लेकिन लास्ट में डोरी की थिकनेस थोड़ी सी मोटी है, तो उसको मैं दोबारा से सही किया। जब हम किले को मिक्स करते हैं तो हमारा किले बहुत सॉफ्ट होता है, उस टाइम अगर हम डोरी बेल रहे हैं और इस तरह से हमने डोरी बेली और ये रख दी,
उसके बाद हमने तुरंत डोरी को उठाया। तो जब हम तुरंत डोरी को उठाते हैं तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि जहाँ से उठाते हैं वहाँ से तो आपका पतला होना ही है, साथ ही वो धीरे धीरे खिंचता जाएगा जैसे ही आप इस तरीके से इसको लगाओगे। जैसे आपने ये रखा तो आपकी डोरी कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाएगी एक जैसी सेट करने के बाद भी। तो डोरी को थोड़ा सा इस तरीके से बेलने के बाद में आप छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने टेलकम पाउडर लगा दिया है नीचे, उसके ऊपर मैंने डोरी रख दी है जिससे कि वह स्टिक भी नहीं होगी और आप डोरी को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो डोरी को हमेशा थोड़ा देर बेल के रखने के बाद ही आप लगाइएगा, तुरंत नहीं लगाइए, नहीं तो वैसे तो किले में ऐसा है कि फ्रेंड जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना थोड़ी देर बनाने के बाद ही उसको स्टिक करें तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपनी डोरी को परफेक्ट बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी आर्ट में फिट कर सकते हैं। तो ये तो था आज का डोरी की थिकनेस को सेट करने का तरीका। आप जितने mm की डोरी बनाना चाहते हैं उतने की आप स्केल से निशान लगा के आप बना सकते हैं। दोनों ही डोरी के बीच में डिफरेंस रखा है, तो अंदर की जो मैंने डोरी लगाई है 5 mm लगाई है और जो बाहर लगाई है वो मैंने थोड़ी मोटी लगाई है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मिरर, लेकिन नहीं, उससे पहले हमें करनी है बॉर्निश। तो चलिए सबसे पहले बॉर्निश कर लेते हैं। बॉर्निश लगाने के बाद फ्रेंड्स अब लगाएंगे हम मिरर। तो जहाँ मैंने ग्रीन कलर किया है वहाँ मैंने आई शेप के मिरर लगाए हैं और बाहर की साइड मैंने लगाए हैं राउंड शेप के मिरर। फ्रेंड्स जो हमने ब्लू कलर किया है वहाँ मैंने आई शेप के मिरर लगा करके ये डिजाइन बनाया है और ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है इस तरह की झरोखा आर्ट के बॉर्डर में। जब आप इस तरह का डिजाइन बनाते हैं और अंदर एक छोटा सा डिजाइन बना देते हैं तो ये पूरी आर्ट हमारी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। और मैं जब ये डिजाइन बनाती जा रही हूँ तो अपने आप ही एक फ्लावर का डिजाइन बनता जा रहा है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके अंदर हमें एक प्रॉपर साइज का मिरर रख के बस देखना है कि किस साइज का मिरर से हमारा जो डिजाइन है वो परफेक्ट बन रहा है। और मिरर लगाने के साथ ही हमारी जो आर्ट है वो बहुत सुंदर दिख रही है। फ्रेंड्स जब मेरे मिरर कंप्लीट हो गए तब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कुछ अभी बॉर्डर में अधूरा है, तो यहाँ मैंने मांडला डॉट रखी है व्हाइट कलर की बहुत छोटी सी, और ये डॉट्स लगाने के बाद तो हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। मांडला डॉट भी हो गई, मिरर भी हो गए। फ्रेंड्स लास्ट में मैंने काऊ के अंदर गोल्डन कलर की कौन से जो चेक बनाया है वहाँ डॉट्स रखी है और थोड़ा सा डिजाइन और मैंने गोल्डन कलर से बना लिया है। इस तरह के डिजाइन अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने डोरी की थिकनेस को कैसे एक जैसा रखना चाहिए, बहुत इजी है। आप अगर इस नाप से डोरी बनाएंगे तो धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी तो फिर आपको नाप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा नाप के बना लीजिए तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। और ये देखिए आज का मेरा आर्ट ये पूरा हो चुका है, बहुत ही सिंपल सा और सोवर सा आर्ट है और बहुत सुंदर लग रहा है। काऊ बहुत अच्छी लग रही है, साथ ही हमने जो बाउंड्री दी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी ये तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और मुझे बताइए आज की आर्ट कैसे लगी। फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मिरर्स कहाँ से लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ कर आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके के मिरर्स हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। बाय।